साहब की हियरिंग चली, इनकी पीडीएक्स के ऊपर सुनवाई चल रही थी। ये जो सुनवाई है अभिषेक रेड्डी और श्रीदेवी मैडम डबल बेंच पे ये सुनवाई चल रही थी, और इसमें जो सरकार की तरफ से जो जीपी है उन्होंने ये सबमिट किया है कि इनको अगर छोड़ा गया तो फिर से सिटी का माहौल खराब होगा और फिर से दंगे फसाद होंगे और पब्लिक में अशांति फैलेगी। तो जो वकील है, हम लोगों ने सबने मिलकर ये प्रस्तुत किया है कि ये जो पूरे केसेस है बेबुनियाद है, और जो भी पुराने केसेस हुए थे वो पूरे केसेस में एक्विटल आया, इनके ऊपर कोई भी केस साबित नहीं हुआ है, और जो ये केस डाला गया है जो भी इसमें बोला है या नहीं बोला गया है ये सब कानूनी मामला है। और ये एक एमएलए है, इनको जो फ्यूचर में अभी इलेक्शन आने वाले हैं मनगुर इलेक्शन में, ये जाके प्रचार ना करें, पूरा पॉलिटिकल दबाव से इनको डिले करते हुए इनकी सुनवाई पे तारीख मिलती जा रही है और इनका फैसला नहीं किया जा रहा है। तो मेरा बोलना यही है कि सरकार इस केस को जल्द से जल्द खत्म करके उनको रिहा किया जाए। वो एक एमएलए है, पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी ने उनको चुना है और वो एक धर्म प्रेमी है। मेरा यही बोलना है कि कोई भी धर्म से प्रेम रखता है वो कोई गुनाह नहीं है, तो इस कारण से उनको अंदर रखा गया है। सिर्फ इलेक्शन है, मनुगुरु में इलेक्शन है और यूपी में इलेक्शन है, इस तरह का बोल के डेटों पे डेट दिया जा रहा है जो कि अनुचित है। तो फिर से आज कोर्ट ने कल के ऊपर तारीख लगाकर कल फिर से रीहियरिंग को